हेलो एवरीवन, दिस इज़ रविंद्र फ्रॉम री एजुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि डर्मेटोग्राफिक रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे करियर सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ करियर सिलेक्शन के लिए ही नहीं, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये यूज़फुल होता है। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था, करियर सिलेक्शन के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। उसमें से सबसे पहला स्टेप होता है डर्मेटोग्राफिक साइंटिफिक एनालिसिस, और इसमें वो पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, उनके मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है। जो स्ट्रॉन्ग मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो कौन से है जिसे हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे करियर के लिए, जो वीक है उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, उनको कैसे चेंज किया जा सकता है, उसके बारे में भी बताया जाता है। उसके अलावा हमारी लर्निंग स्टाइल कौन सी होनी चाहिए, लर्निंग मेथड कौन सी यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में बताया जाता है। तो हम लोग ये रिपोर्ट वन बाय वन पेज वाइज देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हमें यूज़फुल हो सकता है और इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो पेज नंबर जो सेकंड है उसमें तो जो पर्सन का ये रिपोर्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमें डर्मेटोग्राफिक रिसर्च के बारे में डिटेल देते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत पुराना रिसर्च है। 1823 में ये स्टार्ट हुआ था जॉन की तरफ से, फिर फर्दर उसके ऊपर साइंटिस्ट ने काम किया और 1926 में क्यूमिन ने उसके ऊपर काम करके रिसर्च सक्सेसफुल हुआ और वो फर्दर यूज़ में आने लगा। तो उन्हें फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक भी कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या कवर होता है। तो इसमें होता है एक इंट्रोडक्शन होगा, डीएमएटी के बारे में बताया जाएगा, ये रिपोर्ट कैसे इंटरप्रेट करना है उसके बारे में बताया जाएगा, ब्रेन लोब्स क्या क्या है, उनकी फंक्शन क्या क्या है, टीएफआरसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो बताया जाएगा, हमारे ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। तो उसमें लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये सब कुछ होगा। जैसे पेज नंबर 14 पे है कि रिलेशनशिप ऑफ द ब्रेन टू आवर हैंड, तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और राइट हैंड जो है वो लेफ्ट ब्रेन को, तो वो उसमें डिटेल में बताया गया है ये कैसे काम करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेन लोब्स, ATD एंगल, जो हमारी लर्निंग सेंसिटिविटी कितनी है, इसके ऊपर हमें कैसे काम करना है और कैसे हमें उसका यूटिलाइज़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो ये हेल्प करेगा ATD एंगल। फिर हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जो 4 मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो 4 मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, जो स्ट्रांग है उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, उनको कैसे करियर के लिए सिलेक्ट यूटिलाइज़ करियर सिलेक्शन में यूटिलाइज़ किया जाए, जो वीक है उसके ऊपर कैसे काम करके उसको बेटर बनाया जाए, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन होगी। हमारी पर्सनैलिटी कौन सी, हमारे बिहेवियर कौन सा है, उसके बारे में ये डिटेल देगा। जैसे डोमिनेंट हो गया, कंप्लायंस हो गया, इन्फ्लुएंशियल हो गया, स्टडी है, तो हम लोग इसमें से कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी में आते हैं और उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमारे करियर के लिए एज वेल एज हमारे रिलेशनशिप के लिए लोगों के साथ। लर्निंग कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सी होनी चाहिए, जो हमारे पर्सनैलिटी को इनबॉर्न है, नेचुरल है, और उसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये पेज नंबर 40 में बताया गया है। तो लर्निंग स्टाइल कैसी है, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक है, तो हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, कौन से कैटेगरी में हमारी स्ट्रेंथ है और उसको यूटिलाइज़ करके कैसे हम लोग इमीडिएट 15-20% इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं हमारे लर्निंग में, इसके बारे में बताया गया है। हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन सा है, जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, वो कौन सा मल्टीपल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, उसके ऊपर कैसे काम करना है, उससे कैसा बेनिफिट लेना है, इसके बारे में बताया। तो ये जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जैसे वर्बल, लॉजिकल, विजुअल, नेचुरलिस्ट, म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सभी इंटेलिजेंट है, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी होनी चाहिए, जो हमारे
पर्सनैलिटी एज वेल एज़ इंटेलिजेंस को देखते हुए उसका सिलेक्शन करना चाहिए, ये भी बताया जाता है। तो अगर कोई स्कूल में है एट द अर्ली एज दे कैन डेवलप पर्टिकुलर एक्टिविटी जो उन्हें हेल्पफुल होगी फर्दर उनके करियर के लिए या स्पोर्ट्स करियर के लिए भी। करियर ऑप्शन कौन से अवेलेबल है कंसिडरिंग द ऑल अबव फैक्टर, ये पेज नंबर 68 पे दिए गए हैं, करियर ग्राफ में रिप्रेजेंट किए गए हैं। फिर बाद में एनालिसिस की समरी दी गई है जो वन पेज समरी है, वो अगर हमें इमीडिएट ग्लांस करना है कभी भी तो वो देख के हम लोग सब चीज़ें समझ सकते हैं। काउंसलर रिमार्क होता है, ये सब कुछ फैक्टर देखते हुए कुछ सजेशन होते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है काउंसलर की तरफ से, जिससे वो एक गाइडलाइन मिलता है और वो गाइडलाइन के हिसाब से उस पर्सन ने एक्ट करना चाहिए, चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो उसके बाद जो देखेंगे हम लोग कि जैसे मैंने बताया कि क्यूमिन ने जो डर्मेटोग्लाइफिक जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ डर्मेटोग्लाइफिक उसके बारे में बताया गया है, तो उन्होंने कैसे रिसर्च किया, कैसे उसको हेल्पफुल रहा, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो हाउ टू इंटरप्रेट दिस रिपोर्ट, जैसे मैंने पहले बताया वो चीज़ यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि कैसे इंटरप्रेट करना है रिपोर्ट को। तो अभी हम लोग देखेंगे जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि TFRC डिस्ट्रीब्यूशन मैप कैसा है। तो अगर TFRC डिस्ट्रीब्यूशन मैप में देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 10 चीज़ें हैं, 10 फैक्टर है, और राइट साइड में 5 फैक्टर है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 5 प्लस 5 करके टोटल 10 है। ये जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फिंगर्स के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है लेफ्ट ब्रेन मतलब वो राइट हैंड की फिंगर्स है, फर्स्ट जो है R1 जो राइट हैंड के फिंगर का थंब से चालू होता है, और राइट ब्रेन जो लिखा है वहाँ पे जो है वो लेफ्ट हैंड के फिंगर्स के रिच काउंट है, वो रिच काउंट के हिसाब से जो कुछ एनालिसिस आता है वो यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे थंब से चालू होता है और लिटिल फिंगर तक ये काउंट होता है, जैसे L5 लिखा है वहाँ तक। तो हम लोग समझ के लेंगे कि ये ब्रेन लोब्स कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे अभी अगर लेफ्ट ब्रेन लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट एबिलिटी के बारे में बताया गया है, तो ये दिखाता है अगर इसमें स्पेसिफिक स्कोर आता है जो भी परसेंटेज में ज़्यादा या कम, उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि जो पर्सन है वो एक मैनेजमेंट के जॉब के लिए, एक बिजनेस के जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर वो प्लानिंग में बहुत बेटर है, जजमेंट में बेटर है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में सक्षम है, लॉजिकल थिंकिंग उसका अच्छा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन अच्छा है, रैशनल थिंकिंग है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, ये सब चीज़ें बता समझ में आती है। तो उसके ऊपर से हमें समझ में आ सकता है कि ये मैनेजमेंट के लिए जो पर्सन है वो सुटेबल है या नहीं है, मैनेजमेंट जॉब या बिजनेस जॉब, बिजनेस करने के लिए स्पेसिफिक। तो अभी उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे दिख रहा है कि क्रिएटिव एंड इंटरपर्सनल एबिलिटी, तो ये दिखाता है कि अगर वो पर्सन जो है उसमें लीडरशिप बिहेवियर है जो लोगों को कनेक्ट कर पाए इजीली, उनको समझ पाए, उनसे काम कर ले सके, तो ये जो है इंटरपर्सनल एबिलिटी है वो ये दर्शाता है, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग है, उनका इमोशनल फंक्शन कैसे काम करता है और वो कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उनको गोल सेटिंग है, इंट्यूशन पावर कैसी है, ये सब कुछ दिखाता है। अगर ये उनके पास स्ट्रॉन्ग है क्रिएटिविटी और इंटरपर्सनल एबिलिटी तो वो पर्टिकुलर उससे रिलेटेड करियर चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में अभी लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी, तो जिन उन कोई पर्सन की अगर लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी अच्छे है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट अच्छे है, वो कंपटीशन एनालिसिस अच्छा है, तो ये समझ में आता है अगर ऊपर का परसेंटेज स्कोर ज़्यादा है तो लॉजिकल से रिलेटेड एजुकेशन ले सकता है, फर्दर प्रोफेशनल करियर चूज कर सकता है, ये डिटेल दिखाता है। राइट साइड में देखेंगे कि विजुअल
उनकी इमेजिनेशन एबिलिटी कैसी है। अगर ये जैसे हम लोगों ने लेफ्ट में देखा लॉजिकल एनालिसिस, यहाँ पे देखा जाता है कि एक ब्रॉड व्यू में कैसे देखता है, अगर उनकी थॉट प्रोसेस कैसी है, उनकी थिंकिंग कैसी है, विजुअलाइजेशन कैसा है, इसके ऊपर उनका करियर को डायरेक्शन मिल सकता है या सिलेक्शन में ईजी हो सकता है। वापस हम लोग अगर देखेंगे फाइन मोटर स्किल लेफ्ट साइड में, तो ये दिखाता है उनका कंट्रोल कैसा है स्मॉल मसल्स के ऊपर। मतलब राइट में देखेंगे ग्रॉस मोटर स्किल है जो एक बड़े मसल्स के ऊपर, जैसे हाथ पैर ये जो चीज़ हो गया उनके ऊपर उनका कंट्रोल रहता है, और उनका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, या फिर अगर कोई डांस करने में एक्सपर्ट है, तो इनका ये इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा परसेंटेज में रहता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है ये पर्टिकुलर फैक्टर में। अदरवाइज़ जिनका फाइन मोटर स्किल भी अच्छा है, तो वो छोटी से छोटी चीज़ जैसे हो गया गिटार बजाना, पियानो बजाना, ये छोटे छोटे जो मसल्स हैं उनके ऊपर उनकी पावर, उनकी कमांड बहुत अच्छे से होती है, तो ये समझ में आता है। तो ये बहुत इजी हो जाता है। इवन अगर कोई सर्जन है, अगर डॉक्टर हो कि वो अगर सर्जन का काम करने वाला है, तो उनके लिए फाइन मोटर स्किल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अगर ये ऑपरेट करना है तो फाइन मोटर स्किल अच्छी होगी। जिनकी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्कोर्स, तो वो उस करियर सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर वो डॉक्टर है तो, या फिर म्यूजिशियन है तो भी। फिर लेफ्ट में देखेंगे तो लैंग्वेज एंड लिसनिंग एबिलिटी ये दिखाता है। तो इसमें ये समझ में आता है कि इनका स्पीच या साउंड को डिकोडिंग करने की एक्सपर्टीज़ है, उनकी मेमोरी अच्छी है उससे रिलेटेड, उनकी अंडरस्टैंडिंग सुनने की पावर ये बहुत अच्छी है, वर्बल मेमोरी प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, वो कोई भी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, और वो अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, साउंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही राइट साइड में देखा जाएगा तो यहाँ पे इमोशनल फीलिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है उनकी, सो म्यूज़िकल हियरिंग बहुत अच्छी होती है, उनको गाने को टोन को उनकी मेलोडी म्यूज़िक में जो होती है वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं, और इमोशन को वो समझ पाते हैं, और उसको वही अच्छी तरह से रिस्पॉन्स भी कर पाते हैं। तो इससे ये उनकी स्ट्रेंथ समझ में आती है, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो वो म्यूज़िक में अच्छा कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट है लेफ्ट साइड में, इसमें ऑब्जर्वेशन रीडिंग एबिलिटी दिखाती है। तो विजुअल आइडेंटिफिकेशन जो लॉजिकल होती है, रीडिंग एबिलिटी, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, स्पीड, ये बहुत अच्छे से होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिकेट खेलता है, तो बॉल एक बॉलर ने बॉल डालने के बाद वो कितने टाइम में कितने स्पीड में वो आएगा और कितने टाइम में उसे हिट करना है, ये जो कैलकुलेशन होता है ये छोटे कैलकुलेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, जिनका अच्छा है वो उसमें एक्सपर्टीज़ होती है, इनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होता है, छोटी छोटी चीज़ों में वो ऑब्जर्व करते हैं, वो याद भी रखते हैं कि अगर ये कोई चीज़ यहाँ पे थी तो आज वहाँ पे नहीं दिख रही है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। राइट में देखेंगे तो विजुअल एबिलिटी है, इसमें उनकी एक्सपर्टीज़ होती है बड़े चीज़ों को देखने की, तो उनकी विजुअल सेंस जो होता है बहुत अच्छा होता है। फिर अगर कलर हो गया या शेप्स हो गए, उनको रिकग्नाइज अच्छे से कर पाते हैं और उनको वो याद रख पाते हैं, उनकी मेमोरी वो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो अभी यहाँ पे जैसे देखेंगे कि TFRC स्कोर जो है इन पर्सन का 160 आया था, तो अभी हम समझेंगे कि 160 मतलब वो क्या इंडिकेट करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये चालू होता है बिलो 60 से लेके 220 एंड अबाउ, तो अगर ये 160 है तो ये टाइप डी में आया, दैट मीन्स गुड पोटेंशियल, 101 टू 140 में आया तो नॉर्मल पोटेंशियल, 60 टू 100 के बीच में है तो एडिक्वेट पोटेंशियल होता है, उससे बिलो जो है लो पोटेंशियल। मगर इसमें देखा जाएगा तो वेरी गुड पोटेंशियल के बाद 101 टू 220 जो एक्सेलेंट पोटेंशियल है, और उसके ऊपर जो है थोड़े हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उसमें आ जाता है। तो जो ये दिखाता है जो रीच काउंट जिनके ज़्यादा होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनमें ये पोटेंशियल डिफाइन होता है। तो बेटर जो है वो 201 टू 220, 181 टू 220 भी कहा जा सकता है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा भी, मगर उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं,
माइनर जो हाइपर एक्टिविटी दिख सकती है, मगर उसके लिए भी सॉल्यूशन है जो अगर अर्ली एज से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 10 पे दिखाता है इसके बाद पेज नंबर 11 पे दिखाता है कि ब्रेन के लोब्स कैसे है। तो हमारा ब्रेन लेफ्ट और राइट ब्रेन में डिवाइड किया हुआ है और उनको हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट परसेंटेज में आ रहा है। तो लेफ्ट दोनों हेमिस्फेयर में लेफ्ट ब्रेन को अगर इनका देखेंगे रिपोर्ट में तो 52% है और राइट ब्रेन का 47% है। तो इनमें जो ज़रा गैप ज़्यादा दिख रहा है, ये लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड पर्सन है, डोमिनेंट पर्सन है, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट, तो लॉजिकल चीज़ें जो देखी जाएगी वो ज़्यादा रहेगी राइट ब्रेन में। अगर इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस होता है, अगर 5 के ऊपर का डिफरेंस है, तो इनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका राइट ब्रेन का थॉट प्रोसेस लॉजिकल में कन्वर्ट करने को टाइम जाता है। तो उनके लिए भी सॉल्यूशन होता है वैदिक, जो हम लोग भी लेते हैं वैदिक ब्रेन एक्टिवेशन, ब्रेन डेवलपमेंट, उसमें ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। उनका दोनों ब्रेन के कनेक्टिविटी है, मिड ब्रेन उनकी कनेक्टिविटी वो प्रॉपरली अलाइन की जाती है, जिससे ये डिसीजन मेकिंग वाला प्रॉब्लम जो है लेफ्ट और राइट ब्रेन का वो उनका कम हो जाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट ब्रेन के बारे में बताया गया है कि लेफ्ट ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे कैसे उसके ट्रेंड होते हैं और कैसे हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाते हैं और क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या स्पेसिफिक डिटेल है वो इसमें बताया गया है। सिमिलरली राइट ब्रेन के बारे में भी बताया गया है। तो जैसे मैंने शॉर्ट में ऊपर बताया कि लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो मोर लॉजिकल होता है, राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव होता है। राइट ब्रेन की कैपेसिटी अराउंड 90% है मेमोरी की, तो लेफ्ट ब्रेन की 10% है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो हम लोगों ने बताया कि कौन कौन से लोब है, जैसे आगे का जो फ्रंट में दिख रहा है वो प्री फ्रंटल लोब कहा जाता है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी कौन सी है, कैरेक्टर क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। उसके बाद जो है हमारा फ्रंटल लोब है जो सेंटर ऑफ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, तो हमारे थॉट प्रोसेस कैसे है, थिंकिंग प्रोसेस कैसे है, वो यहाँ से हमें समझ में आते हैं। उसके बाद जो आता है टेम्पोरल लोब, वो जो है वो सेंटर ऑफ ऑडिटरी फंक्शन है, तो हमारी ऑडिटरी पावर का, इमोशन का, मेमोरी कितनी स्ट्रांग है वो ये इंडिकेट करता है। फिर सेंटर ऑफ काइनेस्थेटिक है, वो लोब जो है हमें दिखाता है कि हमारी फाइन या ग्रॉस मोटर स्किल कितनी स्ट्रांग है, उसकी रिलेटेड मेमोरी हमारी कितनी स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग कैसे है वो। और पीछे की तरफ जो है वो ऑसिपिटल लोब है, ये विजुअल फंक्शंस को इंडिकेट करता है, हमारी एबिलिटी रिकग्नाइज करने की ऑब्जेक्ट को या फिर विजुअल फंक्शंस को कैसे काम कर पाते हैं वो दर्शाता है। सिमिलरली उसके बाद ये दिखाया गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स, सो लेफ्ट हैंड की फिंगर राइट हेमिस्फेयर की तरफ, राइट ब्रेन की तरफ, और राइट जो है वो लेफ्ट की तरफ, उनकी कैसे कैसे फंक्शन है वो भी दिखाया गया है। जैसे हम लोग देखिए, जैसे बताया जो फर्स्ट वाला दिख रहा है लेफ्ट और राइट ब्रेन का, एक एनालिटिकल है, दूसरा क्रिएटिव है। फिर बाद में प्रीफ्रंटल वाला दिखा रहा है, तो उसमें ये दिखा रहा है कि जो इंडेक्स फिंगर कौन सी है उसके ऊपर ये डिपेंड है, तो ये भी बताता है कि ये उनका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा, पर्सनालिटी कैसा रहेगा, थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा। उसके बाद काइनेस्थेटिक कैसे है, तो अगर ये बड़े पार्ट है बॉडी का वो कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं एक जगह पे, अगर वो बॉडी के छोटे मसल्स है वो कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। सिमिलरली बाकी के जो फैक्टर मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अभी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन, तो ये जो हम लोगों ने रिजेस, फिंगरप्रिंट के रिजेस एनालिसिस किए जाते हैं,
उसके बाद ये टीफ वर्सेस कोर का दोनों का कॉम्बिनेशन करके इंडिकेट करता है पांचों का टोटल, फाइव फिंगर्स का लेफ्ट एंड राइट का। तो ये स्कोर दिखाता है कि कहाँ पे हमारा पोटेंशियल है और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे 23.86 इन पर्सन के लिए था जो दिख रहा था उनका सेंटर ऑफ विजुअल फंक्शन। तो इनकी सेंटर ऑफ विजुअल फंक्शन बहुत स्ट्रांग थी, तो इन्हें बहुत छोटी सी छोटी चीज़ें जो है ये अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। इन लोगों के लिए घर एक छोटा लिमिटेड हो जाता है क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी होती है, वो घर एक्सप्लोर करके ख़त्म होने के बाद दे वांट टू गो आउट, तो बाहर जाके भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दे आर मोर एक्सप्लोरर क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है। मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर जो होते हैं उनमें ये एबिलिटी दिखती है, ये फंक्शन बहुत स्ट्रांग होता है इनके लिए, उनको बाहर एक्सप्लोर करना भी बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए जो उनका घर होता है वो एक शॉर्ट पीरियड में ही वो पूरा एक्सप्लोर कर देते हैं। तो अभी हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे कि ब्रेन लोब्स और उनके फंक्शन कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर देखते जाएंगे तो लेफ्ट प्री फ्रंटल है, तो ये कैसे काम करता है, तो रैशनल थिंकिंग, प्लानिंग जो हम लोग ने ऊपर भी देखा था, सेल्फ अचीवमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ये चीज़ दिखाता है। राइट प्रीफ्रंटल लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, इंटरपर्सनल स्किल दिखाता है, क्रिएटिविटी होते हैं, गोल विजुअलाइजेशन वो अच्छे से कर सकते हैं, ये सब कुछ दिखाता है। सिमिलरली बाकी के फंक्शन मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किए थे सिमिलर वे में ये इंडिकेट करता है। ये ब्रेन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे हम लोगों ने देखा ऊपर की तरफ कलर में ये एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्टर देखेंगे, 80 डिग्री एंगल जिसे बोलते हैं, ये जो दिखाता है इसमें दिखाता है कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स को कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की पावर कितनी है, कितने फास्ट वो ट्रांसमिट कर पाते हैं, कितना स्लो करते हैं, उसके ऊपर से कोई भी पर्सन कोई भी नॉलेज ले रहा है, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, वो कितने टाइम में वो समझ पाएगा। तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग कुछ रीड करने के लिए बैठते हैं या कोई ट्रेनिंग के लिए बैठते हैं या कोई नॉलेज सेशन के लिए बैठते हैं, मगर एक सर्टन टाइम के बाद वो नॉलेज उनका एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाता है, तो फिर इंफॉर्मेशन स्किप होना चालू हो जाती है। तो ये सब परसेंटेज दिखाता है कि वो पर्सन कितना टाइम के लिए इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी का एब्जॉर्ब करने की पावर 1 आवर है, तो उन्हें ये एडवाइस किया जाता है कि आप 1 आवर तक ही पढ़ाई करें, बीच में ब्रेक ले आधे घंटे का, एक घंटे का, फिर बाद में बैठे, नहीं तो जो इंफॉर्मेशन या स्टडीज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस वो आपको एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से और वो वेस्ट हो जाएगा टाइम भी और वो नॉलेज भी, तो वो एडवाइस किया जाता है। उसके साथ ही अगर ये परसेंटेज अगर देखेंगे इसका एंगल अगर ज़्यादा है अबव 40, तो इन लोगों के लिए कैसे ये यूटिलाइज करना है, क्योंकि उन्हें कम से कम टाइम में छोटे छोटे ब्रेक में पढ़ाई करना है, उसके साथ ही इन्हें एक अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, क्योंकि तो इनके न्यूरॉन्स की कैपेसिटी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ते हैं, जिससे वो लंबे टाइम तक के लिए उनकी लर्निंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी ये जो जिनका एंगल जो है 41 से 45 के ऊपर या 46 के ऊपर होता है, उन्हें अगर कोई एक्टिविटी नहीं की जाती है तो वो थोड़े फैट भी होते हैं, उन्हें हेल्थ डायबिटीज़ या ऐसे रिलेटेड इश्यूज भी फ्यूचर में आ सकते हैं। तो इन्हें अगर एट द अर्ली एज ही कंट्रोल करना है तो उन्हें एक अच्छा योगा, मेडिटेशन और एक फिज़िकल एक्टिविटी लाइफ टाइम होगी तो उनके लिए बेटर होता है, उनकी ग्रोथ के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और नॉलेज एब्जॉर्ब करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो समझ में आता है, जिसके ऊपर
समझने के बाद हम लोग काम कर सकते हैं। जितने अर्ली एज में हमें ये समझ में आएगा उतना बहुत ही काफ़ी होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हम लोग एक्शन ले पाते हैं। उसमें भी बहुत सारे और तरीके हैं जो हम लोग, हमारे पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है तभी हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन की स्कोर देखते हुए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि मल्टीपल क्वेश्चन। तो इसमें से चार क्वेश्चन होते हैं, इमोशनल क्वेश्चन, आईक्यू जैसे ईक्यू आईक्यू और एक्यू एंड क्रिएटिविटी क्वेश्चन। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल यहाँ पे है, तो इनका एडवर्सिटी क्वेश्चन जो है वो बेटर है 28.42, जो ये दर्शाता है कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन भी आए तो भी ये इसको अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं क्योंकि इनका ये क्वेश्चन अच्छा है। मगर ये क्वेश्चन अगर किसी का कम है तो नॉर्मल सिचुएशन में तो ठीक है, मगर लाइफ में कभी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो वो डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं, उससे लड़ नहीं पाते। तो ये क्वेश्चन होना आज के डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल क्वेश्चन जिनका अच्छा है तो सेकंड अगर देखेंगे इनका इमोशनल क्वेश्चन भी अच्छा है। जिनका इमोशनल क्वेश्चन अच्छा है वो लोगों को अच्छे से समझते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी में सीईओ हो गया या फिर लीडरशिप टीम में हो गए, तो वो लोगों का इमोशनल क्वेश्चन अच्छा हुआ तो अपने टीम में जो काम करते हैं उनको अच्छे से समझ पाते हैं और उनसे काम कर सकते हैं, काम करके ले पाते हैं। अगर ये कम है तो फिर ये थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी में पीछे हटते हैं, काम तो कंप्लीट हो सकता है मगर उनका लोगों के साथ, उनके टीम के साथ कनेक्ट नहीं बन पाता और ये फिर लंबे टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाते। आईक्यू जो है जिनका ज़्यादा है उनको लॉजिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी होती है, और क्रिएटिव क्वेश्चन जिनका ज़्यादा है वो क्रिएटिव वर्क करने में बहुत अच्छे से माहिर होते हैं। तो इसका भी हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं करियर सिलेक्शन में। वो ये पॉइंट को कंसीडर किया जाता है, पर्सनैलिटी, ये क्वेश्चन और मल्टीपल इंटेलिजेंस को राइट करियर सिलेक्ट करने में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो इन पर्सन थे उनका फिंगरप्रिंट के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी जो है आ रही है डव, और प्राइमरी पर्सनैलिटी डव आ रही है और सेकेंडरी पर्सनैलिटी आ रही है ईगल। तो प्राइमरी पर्सनैलिटी बेसिकली दिखाता है, जो लेफ्ट हैंड से थंब से आती है वो दिखाता है कि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बाहर के लिए, बाहर के लोगों के साथ जो उनके क्लोज लोग नहीं हैं तो कैसे रहेगी। तो प्राइमरी ये है डव, डव क्या है वो नीचे मैं बताऊंगा डिटेल में। और जो सेकेंडरी पर्सनैलिटी दिखाई ईगल, ये उनके क्लोज जो लोग हैं उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, उनकी वो साथ कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ये दर्शाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे शॉर्ट में। तो जैसे इनके आ रही थी डव, तो आ रही है स्टडी। तो ये लोग जो है वो काम होते हैं बाहर के लिए, बाहर के लोगों के लिए, उनको इमीडिएट सडन चेंजेस अच्छे नहीं लगते, डिपेंडेबल होते हैं, ईजीली एग्रीबल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। अभी अगर देखा जाए उनके सेकेंडरी पर्सनैलिटी थी ईगल, जो डोमिनेंट आती है तो घर के लोगों के साथ उनका थोड़ा ईगो रहेगा, फिर वो एफिशिएंट रहेंगे घर के लोगों के साथ, थोड़े एग्रेसिव रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे, तो ये चीज़ें दर्शाती है। वैसे ही सिमिलर है अगर दूसरे है कंप्लेंट है या फिर इन्फ्लुएंशियल है तो उनके लिए क्या क्या होता है। तो जो रिलेवेंट पर्सनैलिटी है उसके लिए हम लोग ये देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे यही जो पर्सनैलिटी उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन गई है। समझो अभी ये डव पर्सनैलिटी है, सॉरी अगर ये ईगल पर्सनैलिटी है तो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो डोमिनेंट पर्सनैलिटी के लिए क्या क्या उनके गोल होने चाहिए और कैसे उसको यूटिलाइज करना रहे और उसके बारे में डिटेल में दिया है। तो ये लोग जो होते हैं ये मोटिवेट होते हैं विनिंग से, कॉम्पिटिशन से, और उन्हें सक्सेस बहुत पसंद होता है तो उन्हें चैलेंज देना बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बारे में ये डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है और उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। फिर उनको गोल्स है, गोल ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें नए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अच्छे लगते हैं
और वो गोल को कंप्लीट जब तक कर नहीं लेते तब तक वो रुकते नहीं हैं, गोल अचीवर होते हैं। कहाँ पे उनको एनर्जी या फोकस देना चाहिए जो उनको यूज़फुल हो पाए, वो भी बताया जाता है बेस्ड ऑन उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। फिर बाद में बताया जाता है कि कौन सा करियर ऑप्शन कंसिडरिंग ये पर्सनैलिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया है मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव या फिर बिजनेस मैनेजर, फायर मार्शल्स, ट्रैवल गाइड, ये कुछ सजेशन दिए गए हैं। मगर ये सजेशन सिर्फ ये पर्सनैलिटी के लिए, बाकी फैक्टर भी होता है। फिर बाकी फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम लोग राइट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अभी देखेंगे इसके आगे उनके स्ट्रेंथ के बारे में दिया जाता है। अगर ये पर्सनैलिटी है डोमिनेंट तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उनकी वीकनेस क्या होती है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए क्या थ्रेड्स है जिनको उन्होंने कंसिडर करना चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए और कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। सक्सेस टिप दिया जाता है, ये तो रिपोर्ट में दिया ही जाता है। उसके अलावा बहुत सारे टिप्स रहते हैं जो काउंसलर देता है उनकी दोनों पर्सनैलिटी देखते हुए, या सिंगल पर्सनैलिटी अगर है दोनों फिंगर दोनों ब्रेन से रिलेटेड लेफ्ट और राइट में थंब से जो आ रही है तो उसके बारे में बताया जाता है। अभी उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है रिलेशनशिप कंपेटेबिलिटी, ये बताता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा इन जो पर्सन का था, इनकी प्राइमरी पर्सनैलिटी थी डव, तो बेसिकली देखा जाएगा कि डव पर्सनैलिटी किसके साथ मैच कर पाती है, मतलब अदर पर्सन। तो अगर कोई रिलेशनशिप अगर मैरिज के लिए है या फिर अगर कोई पार्टनर ढूंढ रहा है तो उनका लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रिलेशन रहेगा ये भी बहुत निर्भर करता है इसके ऊपर। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस में है तो बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर का लंबे टाइम तक पार्टनरशिप होगा या नहीं, ये भी बहुत चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड है। इवन नॉट ओनली दैट, अगर सिस्टर ब्रदर है, सिस्टर सिस्टर है, सिस्टर फादर, फादर मदर, इनका भी जो रिलेशनशिप होता है वो कितना किन के साथ बहुत अच्छे से चलता है, ये भी फैक्टर इससे करता है। इवन ऑफिस में अगर कलीग है, ऑफिस का बॉस है, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन रहेगा, कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, कैसा रिलेशनशिप रह सकता है, वो ये इंडिकेट करता है। तो अभी इनका जो पर्सनैलिटी था डव, तो देखा जाएगा तो हम लोग डव देखेंगे, उसमें समझ में आएगा कि डव पर्सनैलिटी को कौन सी पर्सनैलिटी बेस्ट सुटेबल हो सकती है या कौन सी पर्सनैलिटी नॉट सुटेबल नहीं है। तो जैसे हम लोग देखते हैं डव पर्सनैलिटी, तो डव और आउल, तो अगर उनको देखेंगे तो बोथ आर, डव जो पर्सनैलिटी वो स्टडी होता है, उसको कामनेस अच्छा लगता है, उनको इस सडन चेंजेस नहीं लगते अच्छे लगते। तो इसमें जो है आउल पर्सनैलिटी वाला होगा, इसमें कोई डायरेक्शन दिया जाएगा तो वो डव एक्सेप्ट कर सकता है, मगर ये पर्सनैलिटी फिर भी सुटेबल हो सकती है। बेस्ट पर्सनैलिटी देखा जाएगा डव के लिए तो डव पर्सनैलिटी होते हैं, दोनों सेम क्वालिटीज़ के होते हैं, दोनों के बीच में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं और बोथ कैन वर्क टुगेदर, मगर दोनों को एक दूसरे को एनवायरनमेंट के हिसाब से एक दूसरे को मोटिवेट करना होता है और आगे बढ़ना होता है गोल को सामने देखते हुए। इसमें सबसे जो पर्सनैलिटी उसको मैच नहीं करती वो है ईगल। डव और ईगल पर्सनैलिटी को आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो या फिर अगर आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं तो भी किसी एक पर्सनैलिटी को, मोस्टली डव को, उन समझ के लेना पड़ता है कि ईगल वाली पर्सनैलिटी के साथ कम से कम आर्ग्यूमेंट करते हुए उनसे एडजस्ट करें, तो ये रिलेशनशिप ये आगे बढ़ पाता है या टिक पाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पर्सनैलिटी को मैच करते हुए बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर या और कोई भी रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ पाएंगे लंबे टाइम के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लर्निंग स्टाइल हमारे लिए कौन सी है। बेसिकली जब भी एक स्टूडेंट होता है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ पे देखेंगे तीन टाइप के फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, तो वर्ल्ड टाइप में अगर है
और अगर ये ज़्यादा है, उनका काउंट कितना दिख रहा है, तो ये कॉग्निटिव लर्नर है या नहीं है, तो ये समझ में आता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 40%, ये जितना से जितना ज़्यादा वो लर्निंग स्टाइल यूज़ करना है। कॉग्निटिव लर्नर बेसिकली देखा जाएगा तो जो खुद एक्सप्लोर करता है, खुद गूगल करेगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से निकलेगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करता है और नॉलेज लेता है, वो होते हैं कॉग्निटिव लर्नर। तो भी यहाँ पे इनका दिख रहा है 40%, तो ये ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, मगर यहाँ पे देखे जाएंगे तो उनके एफेक्टिव लर्नर के लिए अल्नार जो है उन वो परसेंटेज ज़्यादा था, तो 60% है। तो इनको जो है एफेक्टिव लर्नर वो होते हैं जिन्हें कम से कम इन्फॉर्मेशन अगर मिली जाए तो वो उससे नॉलेज लेना पसंद करेंगे। जैसे एग्ज़ाम पे टाइम पे जो छोटा 21 सेट आता था जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते थे, अगर वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको मिलेंगे तो वो करने में उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो उससे सीख पाएंगे, ना कि उनके ज़्यादा रिसर्च करना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना अच्छा लगे, उन्हें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ही नॉलेज लेना पसंद होता है। यह होता है इफेक्टिव लर्नर। सिमिलरली फिर है रिवर्स लर्नर, इसमें इनका परसेंटेज कम है, तो ये देखा जाएगा तो इनके लिए ये लर्निंग स्टाइल सही नहीं हो सकती है। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं हर चीज़ में, वाई उनका होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो टाइप से उन्हें क्वेश्चन पूछ के आंसर लेना या लर्न करना बहुत अच्छा लगता है। रिफ्लेक्टिव लर्नर वैसे ही हो गया, यहाँ पे भी उनका परसेंटेज कम है। तो इनके बाद जो आता है हमें बहुत काम में आएगा लर्निंग स्टाइल ढूंढने के लिए, लर्निंग मेथड ढूंढने के लिए। तो ये लर्निंग स्टाइल के लिए हमें ये समझ में आता है कि हम लोग विजुअल लर्नर है, ऑडियो लर्नर है, काइनेस्थेटिक लर्नर है। अगर हम विजुअल लर्नर है तो हमारी विजुअल लर्निंग से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे देखा जाए हम वीडियो से लर्न कर सकते हैं, पिक्चर, इमेज, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है बुक्स ऐसे है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मगर यही देखा जाए ऑडिटरी लर्नर है तो ऑडिटरी लर्नर के लिए विजुअल ऑडियो होना, वीडियो होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर एक ऑडियो भी अगर उनके यहाँ पर चल रहा है तो भी वो इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई उन्होंने खुद का रिकॉर्ड किया हुआ आंसर हो वो भी अगर सुनते हैं तो उनको लंबे टाइम तक के लिए याद रहता है, इवन रिवीजन भी हो जाता है। सिमिलरली मगर काइनेस्थेटिक अगर पर्सनालिटी आ रही है तो उनको लर्निंग के लिए बेस्ट ऑप्शन प्रैक्टिकली होता है, अगर वो जब तक प्रैक्टिकली हैंडल नहीं करेंगे तब तक उन्हें वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो वो अगर लेक्चर में भी बैठ रहे हैं, टीचर सिखा भी रहे हैं, मगर उनको वो चीज़ इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी जितनी वो अगर खुद प्रैक्टिकली कर नहीं लेते। तो काइनेस्थेटिक अगर कोई बच्चा है तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो कहीं पे तो प्रैक्टिकल ये सीखे, अगर स्कूल में नहीं है तो उनको बाहर कहीं पे तो सिखाया जाए या घर पे सिखाया जाए, मगर प्रैक्टिकल नॉलेज उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो स्कूल में जाते हुए भी वो पीछे रह सकते हैं अपने एकेडमिक करियर में, एकेडमिक ईयर में पीछे, बाकी लोगों से पीछे हो जाएंगे। तभी इनका दिख रहा है, अगर स्कोर देखेंगे तो इन पर्सन का 36 था, तो उनका विजुअल लर्निंग बहुत अच्छा था। तो इन्होंने जो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट था, इन्होंने इमीडिएट उसके बाद चालू कर दिया वीडियो लर्निंग, या साथ ही साथ पिक्चर के फॉर्म में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है उससे पढ़ना, तो उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई गई। ये लर्निंग स्टाइल के बारे में क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते, इसके बारे में गाइड किया जाता है उनकी लर्निंग स्टाइल देखते हुए और सजेशन दिया जाता है। रिपोर्ट में भी होता है, हमारी तरफ से भी अलग से डिटेल में बताया जाता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो करियर सिलेक्शन के लिए काम में आता है तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, कौन कौन से आर्ट फैक्टर में ये सबसे बेटर है, ये हमें मालूम पड़ता है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वर्बल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, विजुअल, नेचुरलिस्ट, म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक,
इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। अभी इनका अगर स्कोर देखेंगे तो सबसे आ रहा है नेचुरलिस्ट में जो 17.23 आ रहा है, उसके बाद जो आ रहा है वर्बल में आ रहा है, लिंग्विस्टिक में आ रहा है जो 14.45। तो इसमें से जो टॉप थ्री होते हैं वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रेंथ एज ए, उनकी स्ट्रेंथ है वो इंटेलिजेंस में, और जो कम है उसके ऊपर क्या काम करना है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी जैसे दिखाया जा रहा है कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट जिनका अच्छा है तो इनका भी इसमें अच्छा था, तो ये पर्टिकुलर इंसान राइटिंग रीडिंग ये चीज़ में थिंकिंग इन वर्ड्स ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्टोरी टेलिंग उनकी अच्छी होती है, उन्हें पढ़ना लिखना तो पसंद आता ही आता है क्योंकि पजल्स सॉल्व करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इन्हें बुक दिया जाए, पेपर दिया जाए, राइटिंग के लिए कुछ दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ग्रो किया जाए जिससे कि उनकी ये स्किल इनकी ये एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो पाए। उसके अलावा करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो भी शॉर्ट में दिए गए हैं, एंड में तो है ही, जैसे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं, लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, ये वेरियस ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल होते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो। क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटी करना चाहिए इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सजेस्ट किया जाता है और रिपोर्ट में भी प्रोवाइड किया जाता है। अभी लॉजिकल जिनका स्ट्रॉन्ग आ रहा है, अभी यहाँ पे देखें तो रैंक 7 आ रहा है, तो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तो उनकी स्किल इन्वॉल्व होती है अगर लॉजिकल अच्छा है तो मैथ्स में, लॉजिक में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग में, और तो उनको अगर देखा जाएगा तो उन्हें पढ़ना पसंद होता है नंबर्स के साथ, पैटर्न के साथ, ग्राफ के साथ, एब्स्ट्रैक्ट्स के साथ, क्लासिफाई करने, कैटेगराइज करने से उन्हें बहुत अच्छा लर्निंग मिल सकता है। करियर ऑप्शन भी दिया है, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर टेक्नीशियन, ये सारे अकाउंटेंट, बैंकर्स, फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये सब ऑप्शन उनके लिए हो सकते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे, वैसे ही सब बाकी के इंटेलिजेंस है जो जो पर्सनालिटी के जो इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से उन्हें सजेशन दिया जाता है उनको स्ट्रांग बनाने का, या अगर कोई वीक है तो उन्हें कैसे स्ट्रांग बना दे, वो रिपोर्ट में भी होता है और रिपोर्ट से भी अगर कोई दूसरे ऑप्शंस है जो जल्दी से जल्दी उनके लिए काम कर सकता है वो एडवाइस किया जाता है काउंसलिंग में। तो ये पूरे मल्टीपल इंटेलिजेंस यहाँ पे इंडिकेट होते हैं वो पर्टिकुलर यूनिक पर्सनालिटी के लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ग्राफ बता रहा है, इसमें जो जैसे दिखा रहा है इनका लिंग्विस्टिक अच्छा था तो इनके लिए दिखा रहा है 12 पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे तो ये उनके लिए बहुत काम में आएगा उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए, वो इसमें ईजीली एक्सपर्टीज ले पाते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम लोग इनका तो 11.62 आ रहा है, वो जो आ रहा है सिंगिंग में, अगर तो उनको एक्स्ट्रा अगर कुछ करना है तो सिंगिंग में भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं जो उन्हें आगे फ़ायदे में हो सकता है। तो इनके लिए फॉरेन लैंग्वेज प्लस सिंगिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मेन पार्ट आता है करियर ऑप्शन, कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स यहाँ पे करियर ऑप्शन दिया जाता है। तो इन पर्सन के लिए जैसे देखेंगे तो इन्हें आर्टिस्ट के लिए 5 स्टार है, तो अगर ये आर्टिस्ट बन सकते हैं, म्यूज़िक टीचर बन सकते हैं, साउंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकते हैं या कंपोज़र बन सकते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग आ रहा है। इवन इनका नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस अच्छा था तो एग्रीकल्चरल साइंस में भी वो अच्छा कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग में उनका नहीं है तो 1 स्टार आ है, वो उन्हें सिलेक्ट नहीं करना है। इंजीनियरिंग भी कम है क्योंकि उनका लॉजिकल कम था तो वहाँ पे उन्हें नहीं जाना है। मेडिकल अच्छा दिखा रहा है, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, मगर मेडिकल फील्ड में और कौन सा फर्दर ऑप्शन लेना है वो हमारे जो स्टेज 3 है उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। करियर ऑप्शंस में आगे बढ़ेंगे तो जैसे दिख रहा है वो एजुकेशन से रिलेटेड वो स्कूल टीचर, प्रोफेसर, काउंसिलर, स्कूल ओनर भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस लेके वो आगे
करियर कर सकते हैं, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एनवायरमेंटल रिसर्चर्स बन सकते हैं। बैंकिंग में स्टार सिंगल ही है तो उसमें उन्होंने करियर नहीं लेना चाहिए, वो करियर ऑप्शन ना सिलेक्ट करेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। अगर कर भी लेते तो बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा और हार्डवर्क ज़्यादा, और उनको वो काम करने में इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा, तो उनको आगे फ्रस्ट्रेशन आ सकता है और उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे भी हो सकता है। मास मीडिया भी इनके लिए अच्छा हो सकता है करियर ऑप्शन। लिटरेचर अच्छा है क्योंकि उनका लैंग्वेज लिंग्विस्टिक अच्छा था। मैथमेटिकल यहाँ पे वन है, नहीं आ सके। मैनेजमेंट भी 4 स्टार है मगर कर सकते हैं, 5 से कम है तो 4 में हम लोग तो एडवाइस करते हैं 4 या उसके ऊपर जो भी है वो ऑप्शन उनके लिए बेटर हो सकता है। पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, लॉयर बन सकते हैं, फिर पॉलिटिशियन अगर है वैसे सुटेबल एनवायरनमेंट तो वो उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। IAS IPS ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पे उनका स्कोर ज़्यादा है तो। साइकोलॉजी में अगर स्कोर 4 है तो ये भी कंसिडर करने जैसा है, 5 से 4 या 5 वाले जो ऑप्शन है। जैसे फॉरेन लैंग्वेज में हम लोगों ने देखा था तो इनको फॉरेन लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ ईजीली आ सकती है, वो टीचर बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं या फिर IFS ऑफिसर भी बन सकते हैं। स्पोर्ट्स में भी 4 आ रहा है तो स्पोर्ट्स का ऑप्शन जो उन्हें अच्छा लगता है वो वाला स्पोर्ट्स ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि इनका फाइन मोटर स्किल, इनका ग्रॉस मोटर स्किल अच्छा था। डिफेंस में इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे हम मैंने बताया कि जो टॉप 5 या 4 में जो दिख रहे हैं वो करियर ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो जिनका स्कोर 12 है वो ज़्यादा है, 12.01, वो वाले ऑप्शन यहाँ पे ये पर्टिकुलर पर्सन करियर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस समरी है। तो ये जो है डिटेल बताता है उनके नेचुरल टैलेंट। स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं करियर एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और मगर क्योंकि अगर एज कम है तब तक सही नॉलेज नहीं आएगा हमें, क्योंकि पर्टिकुलर इसमें उनका नेचुरल टैलेंट है वही हमें समझ में आता है। मगर उसके बाद अगर थोड़ा टाइम निकल जाता है, वो अगर 9-10 तक पहुँचते हैं तो बाकी के एनवायरनमेंट के हिसाब से भी कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं, वो अगर हमें समझ के लेने हैं तो हमें करियर एप्टीट्यूड टेस्ट करके सेकेंड स्टेप में उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसके बाद हम लोग स्टेप 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और समझ के लेंगे कि स्टेप 2 कैसे काम करता है और स्टेप 3 भी कैसे हेल्पफुल हो सकता है आगे के करियर सिलेक्शन में। तो ये अगर हम लोग समराइज़ करें तो समरी में हमें मालूम पड़ता है, तो एक बार देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ओरिएंटेड पर्सन है या नहीं वो हमें समझ में आएगा। तो कौन सा डोमिनेंस है, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेंट है, थोड़ा मोर लॉजिकल है ये पर्सन, मगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी वीक रहेगी, उसके ऊपर सॉल्यूशन है वो हम लोग काउंसलिंग में बताते हैं। इसके अलावा अगर 80 एंगल देखेंगे तो इनका 39-40 के आसपास आ रहा है। उन्हें कुछ सजेशन भी दिए गए थे कि उन्हें क्या करना है और इसको कैसे पढ़ाई करना है, कैसा नॉलेज को लेना है और उनकी न्यूरॉन कैपेसिटी कैसे बढ़ाना है, क्योंकि एज के साथ न्यूरॉन कैपेसिटी भी कम होती जाती है, न्यूरॉन्स कम होते जाते हैं तो उसको मैक्सिमम रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट में भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया जाता है हमारे तरफ से और उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो पर्टिकुलरली वो पर्सन को काम में आ सके। ब्रेन लोब्स के बारे में बताया, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने आ रहे हैं, प्री फ्रंटल, फ्रंटल और टोटल TFRC स्कोर कितना है, तो वो दिखाता है उनकी लर्निंग एबिलिटी कैसे है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि उनकी पर्सनैलिटी कौन सी है, प्राइमरी पर्सनैलिटी, सेकेंडरी पर्सनैलिटी सेम है या अलग है। इससे अगर दोनों अलग है तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि बाहर वो कुछ अलग होते हैं, घर में कुछ अलग पर्सनैलिटी शो करते हैं अपने क्लोज लोगों के साथ।
फिर बाद में हम लोग ने उनका लर्निंग स्टाइल पहचान सकते हैं, क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें अगर उनकी लर्निंग स्टाइल ज़्यादा है परसेंटेज, उसको यूटिलाइज करके उन्हें लर्निंग करना है, नॉलेज लेना है, जिससे कि वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक याद रह पाता है। उसके बाद हम लोगों ने उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस देखा जो करियर सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उनके क्वेश्चन देखे, EQ, IQ, AQ, CQ, इसमें से जो ज़्यादा परसेंटेज है उसमें उसका यूटिलाइज किया जा सकता है करियर सिलेक्शन में, और जहाँ पे कम है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ये हम लोग समझते हैं काउंसलिंग में। फिर एक्वायरिंग मेथड क्या है, जैसे नॉलेज एक्वायरिंग मेथड क्या है, लर्निंग मेथड क्या है, सेल्फ कॉग्निटिव है, एफेक्टिव लर्नर है या रिफ्लेक्टिव लर्नर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमें समझा जा सकता है कि कैसे हमें कौन से स्पेसिफिक मेथड से पढ़ाई करना है, ये हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन सी स्किल एक्वायर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर पर्सनैलिटी इंट्रापर्सन है, इंटरपर्सनल है, फाइन मोटर स्किल उनकी ज़्यादा है, और उनके परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा, इसके अलावा जो है हेल्थ से रिलेटेड भी है, वो इसमें लिखा नहीं है मगर एडवाइस किया जाता है, जैसे अगर TFRC स्कोर हाई है तो हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, अगर बहुत सारे वल्स है तो वो पर्सनैलिटी जो होती है थोड़ी एग्रेसिव हो सकती है, और उनके लिए कुछ सोल्यूशन भी होते हैं कि कैसे उन्हें करना है अपने लाइफ को मैनेज, मेडिटेशन कौन से टाइप का मेडिटेशन करना है जिससे कि उन्हें आगे हेल्थ में कोई इशू ना आए, जो अर्ली एज में ही हम लोग आइडेंटिफाई करके उन्हें वो एडवाइस कर सकते हैं। तो ये सब टोटल इंफॉर्मेशन हमें रिपोर्ट में मिलती है, जिससे हमें करियर सिलेक्शन में बहुत आसानी हो जाती है, हमारी हेल्थ बेटर कर पाते हैं, हमारी सोशल कनेक्ट अच्छे बना पाते हैं, कम्युनिकेशन अच्छे हो सकते हैं घर के लोगों के साथ, घर के बाहर के लोगों के साथ, और कभी कभी हमारा जो डाउट होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ और दूसरे जो पर्सनैलिटी है, दूसरे पर्सन है, वो अलग क्यों है, क्योंकि हर पर्सनैलिटी जो है यूनिक होती है, तो वो उनका जो इंटरनल फाइट चलता है माइंड के अंदर वो ख़त्म हो जाता है, और वो अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर उसकी स्ट्रेंथ देखते हुए उसके ऊपर काम करना चालू कर देते हैं, और सक्सेस बहुत ईजी हो जाता है, और करियर में ग्रोथ अगर इसको अलाइन करके करेंगे तो मिनिमम एफर्ट से ज़्यादा सक्सेस लिया जा सकता है, उन्हें हार्ड वर्क इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ता और लाइफ में सक्सेस इजीली मिलता है। तो ये सब कुछ था इस रिपोर्ट में, थैंक यू वेरी मच। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे करियर एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे बेनिफिट कर सकता है इसके नेक्स्ट स्टेज में, और उसके बाद का स्टेज जो है स्नैप मेथड है, वो स्नैप मेथड कैसे यूटिलाइज करना है, नैरो डाउन किया हुआ ऑप्शन को फर्दर यूटिलाइज करने के लिए, वो हम लोग जो भी करियर ऑप्शन इसमें से आए हैं और सेकंड टेस्ट में आए हैं उसको फर्दर कैसे फिल्टर किया जाए, और कैसे कौन सा सबसे अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए 101% फ़ायदेमंद ही होता है। थैंक यू वेरी मच आज के इस वीडियो के लिए, डेफिनेटली आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम में आई होगी, काम में आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और आपके कमेंट दीजिए, आपको कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स।